और देखिए बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, यह कहना है अमित शाह का। घुसपैठ आतंकवाद हमारे सामने चुनौती, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो टिक नहीं पाएगी, ये भी बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में 10 साल से जवानों की शहादत की बदौलत शांति है और देश जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। तो आपको बताएं, गांधरबल में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, 7 लोगों की मौत हुई, इस पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबूथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीत लहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव से जुड़ी कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीटों की बंटवारों को लेकर यूपी कांग्रेस का कड़ा रुख, समाजवादी पार्टी को यूपी कांग्रेस का अल्टीमेटम। यूपी कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान को प्रस्ताव भेजा, 5 सीटों से कम पर समझौता मंजूर नहीं, ये खबर सामने आ रही है यूपी कांग्रेस की ओर से। 5 सीटें नहीं मिली तो ना लड़ेंगे, ना प्रचार करेंगे और किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, यूपी कांग्रेस की ओर से। जहां गठबंधन को लेकर के खटास नजर आ रही है, और एक और अपडेट ये आ गई है कि अगर यूपी कांग्रेस में इस उपचुनाव जो कि 9 सीटों पर हो रहा है, 5 सीटें नहीं मिली इस गठबंधन के तहत, तो ना प्रचार में उतरेंगे ना ही साथ देंगे। समाजवादी ने बिना विश्वास में लिए 7 उम्मीदवार उतारे, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है, यूपी कांग्रेस की ओर से ये आवाज सामने आ रही है। वीरेश पांडे का रुख करते हैं। वीरेश, जिस तरीके से बात चल रही थी कि 5 सीटों पर बात नहीं बनी तो ना प्रचार करेंगे ना ही मैदान में उतरेंगे, क्या क्या इसके मायने हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही कड़ा रुख है यूपी कांग्रेस का, और ऐसे में अजय राय का जो रुख है वो इस तरह से है कि हम 5 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो 24 में राहुल गांधी का योगदान है, राहुल गांधी के योगदान की वजह से जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस का गठबंधन रहा है 24 में, वो सफलता प्राप्त किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को कमतर नहीं आंकना चाहिए, और यूपी कांग्रेस को और कांग्रेस को बिना भरोसे में लिए 7 सीटें समाजवादी पार्टी घोषित करती है, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, गठबंधन को उठाना पड़ेगा। ये कड़ा रुख है यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का, और अजय राय ने एक प्रस्ताव भेज दिया है आलाकमान को, हाईकमान को, और कहा है कि हम इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख सकते हैं, उनके मनोबल के लिए जरूरी है कि हमें 5 सीट चाहिए, और 5 सीट वो सीट मांग रहे हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी के पास था, उसके गठबंधन के पास था, समाजवादी पार्टी के पास वो सीट नहीं थी। ऐसे समाजवादी पार्टी को बिना विश्वास में लिए, बिना बातचीत किए, ना हाईकमान से बात किया समाजवादी पार्टी ने, ना यूपी कांग्रेस के नेताओं से बात किया, ऐसे समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये रुख अच्छा नहीं है गठबंधन के लिए, और समाजवादी पार्टी ये समझ ले कि 27 के चुनाव में यही रुख रहा तो गठबंधन में परेशानियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में बहुत ही कड़ा और बड़ा रुख है अजय राय का। अजय राय ने बहुत साफ शब्दों में कहा, बिना लाग लपेट के कहा, इतना सम्मानित सीटें पाए कांग्रेस के कार्यकर्ता सहयोग नहीं करेंगे उपचुनाव में, देखिए सहयोग लेना होगा तो बिल्कुल। वीरेश, देखना ये होगा कि सहयोग ना करना या नाराजगी की वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे, इन दोनों चीजों के बीच में बहुत अंतर तो नहीं, लेकिन हाँ अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या रुख रहता है और किस तरीके से गठबंधन धर्म निभाने के लिए समाजवादी पार्टी इस अल्टीमेटम को ध्यान देती है। शुक्रिया वीरेश जानकारी के लिए।
जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा अलर्ट। आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत, 5 घायल। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी ढेर। रविवार देर शाम गगनगीर के पास बन रही टनल के निर्माण साइट पर हुआ हमला। 2 हमलावरों ने कैंप को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। काम से लौट रहे लोगों पर गोलियां बरसाई। गांधरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। आतंकी संगठन लश्करे तैयबा की ही एक शाखा है टीआरएफ। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल रहा है लश्करे तैयबा। आतंकी हमले को लेकर के प्रियंका का एक्स पर पोस्ट, लिखा आतंकियों के खिलाफ देश एकजुट है। कांग्रेस बोली गांधरबल में हुआ आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और दुखद। और अब बात दिल्ली में हुए धमाके की, जिसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की माने साजिश बड़ी थी जिसके तार सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी अपडेट आपके सामने 9 सेकंड न्यूज में। एंटी टेरर यूनिट को सौंपी गई है जांच। एनआईए और एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच कर रही है। दिल्ली को हाई अलर्ट रखा गया, बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लास्ट की तीव्रता काफी ज्यादा थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में प्रशांत बिहार ब्लास्ट सोची समझी साजिश। आईईडी से ब्लास्ट की आशंका। ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके की रेकी का शक। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, क्या कर रही है केंद्र सरकार, सवाल पूछे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को गैंगस्टर के हाथों सौंपा। राजधानी के हालात खराब होने पर बीजेपी का हाथ, ये बात कही। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले कि अगर उपराज्यपाल साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो वो इस्तीफा दें। बिगड़ती कानून व्यवस्था से दहशत का माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र झारखंड समेत उपचुनाव की, जिसके लिए तमाम दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। किस खेमे की क्या तैयारी है और किस गठबंधन में कहां कहां पेच फंसा है, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिणी पश्चिम से तो कामठी से चंद्रशेखर वावनकुले को प्रत्याशी बनाया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। लिखा छठी बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने विश्वास जताया। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय समिति की आज बैठक होगी। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने से रविवार को नहीं हो पाई थी बैठक। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर ऐलान कल। एनसीपी शरद, शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से बातचीत हुई। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है, ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। आज शरद गुट के कुछ उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री आरपीआई नेता रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी से 5 सीटों की मांग की है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले अगर महायुति की फिर सरकार बनती है तो सरकार को एक कैबिनेट मंत्री का पद भी मिलेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान किया। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार, कहा जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी बोली 12 से 13 से कम सीटें मंजूर नहीं होंगी। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी की नाराजगी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, फिर 2/3 मतों से होगी जीत। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी से समझौते के तहत 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से उम्मीदवार होंगे।
झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट आने के साथ शुरू हुआ विरोध। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को टिकट दिए जाने से स्थानीय नेता शिवशंकर सिंह के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर के सूत्रों से खबर, सीटों को लेकर कांग्रेस एसपी गठबंधन में खटास। उपचुनाव से दूरी बना सकती है कांग्रेस, 9 में से सिर्फ 2 सीट दिए जाने से कांग्रेस नाराज। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गतिरोध पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, यूपी में कांग्रेस है अखिलेश के बैसाखी के सहारे, कांग्रेस का नहीं बचा है कोई जनाधार। राजस्थान की सलुम्बर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा नाराज हुए। उपचुनाव में पार्टी ने शांता देवी को उम्मीदवार बनाया है, उनके पति अमृत लाल के निधन से खाली हुई है ये सीट। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त, आबकारी सहित कई विभाग अपने पास रखे। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। आइए 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, क्या अपडेट मिल रही है आपके सामने रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सीएम आतिशी पर पलटवार, कहा सरकार बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक यमुना में मिलने वाले गंदे नालों के लिए कौन जिम्मेदार है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का मनीष सिसोदिया पर पलटवार, कहा कि डर का माहौल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने घोटाले किए। एलजी भी इस घटना को लेकर चिंतित। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कई राउंड फायरिंग, दो गुटों में विवाद के बाद 10 राउंड गोली चली, एक शख्स की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। विमानों में लगातार मिल रही बम की धमकियां, रविवार को 24 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली, सुरक्षा जांच की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा फ्लाइट्स में बम की धमकी की जांच कर रही एजेंसीज, मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जोधपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की एक बार फिर मिली धमकी, इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, सुरक्षा एजेंसी की जांच के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। राजस्थान के किशनगढ़ में स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली, पुणे से किशनगढ़ रवाना होने के बाद मिली थी धमकी, जांच के बाद प्लेन में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। बाबा सिद्ध की हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से एक और आरोपी भगवंत को किया गिरफ्तार, हत्याकांड में 10वीं गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक भगवंत ने शूटर्स के रहने, हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। भगवंत राजस्थान से मुंबई तक हथियार लाया था, 26 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में आरोपी। बाबा सिद्ध की हत्या मामले में पहले गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है, चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, गुलमेर, धर्मराज, प्रवीण, हरीश की पेशी होगी। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह रोक लगाई, मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हिंसा के आरोपियों ने कहा सरकार का मकसद बगैर मुकदमा सजा देना है, 3 आरोपियों ने याचिका दायर की। पंजाब और हरियाणा में अभी तक नहीं रुक पा रहा पराली जलाने का मामला, हरियाणा के करनाल में किसान पराली जला रहे हैं, खेतों में प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका, चक्रवात डाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट, बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका। पटाखों पर रोक से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में मामले की आज सुनवाई होनी है, पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक से जुड़ा पुराना आदेश लागू रहेगा। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए ये शब्द जोड़े गए थे। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी मदरसा छात्रों का दाखिल राज्य सरकार के सामान्य स्कूल में करवाने के आदेश जारी किए थे।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया। आज शाम 5 बजे सचिवालय में मुलाकात संभव, डॉक्टर्स अपनी मांग पर कायम। और बागपत में प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, शॉर्ट सर्किट होने से आग, फैक्ट्री में लाखों का नुकसान, इस बात की आशंका जताई जा रही है। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के सराय रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री और दिल्ली के नागलोई फैक्ट्री में भी आग लगी है। तो दिल्ली के नागलोई फैक्ट्री में आग की भी खबर, सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां पहुंची, आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में चलती कार में लगी आग, सड़क से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मचा। यूपी के उन्नाव में हाईवे निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, जेसीबी से खुदाई के दौरान किनारे की मिट्टी खिसकने से दब गए थे 3 मजदूर। राजस्थान के सीकर में ट्रेन से मवेशियों की टक्कर, एक साथ 4 मवेशियों की ट्रेन से टक्कर, टक्कर से ट्रेन की तेल सप्लाई पाइप टूटी, लोगों में डीजल लूटने की होड़ मची। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का खौफ, सड़क पर एक साथ नजर आए कई तेंदुए, रोड से गुजर रहे राहगीरों ने वीडियो बनाया, ग्रामीण कर रहे हैं तेंदुए को पकड़ने की मांग। बिहार के नवादा में 102 एम्बुलेंस चालकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सभी एम्बुलेंस को अस्पतालों में खड़ा किया, 4 महीने से बकाया वेतन समेत कई मांगे। मुश्किल में ईरान से दुल्हन बनकर भारत आई फायजा, मुरादाबाद के दिवाकर से शादी करने के बाद मिल रही है धमकियां, शादी से नाखुश लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर आपत्ति जता रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने की केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना, बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। जिले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है और एनआईए इसकी अब जांच कर रही है, जांच के लिए आज घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंचेगी। कल रात गांदरबल में यह आतंकी हमला हुआ था जिसकी निंदा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक्स पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कर रही है। सरकार ने भी चेतावनी दी है, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जिन्होंने भी यह आतंकी हमला किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों के मरने की खबर थी, गांदरबल की यह घटना है। बिल्कुल, हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी का और उनसे जानकारी लेते हैं। आसिफ, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ये ऐसी जगह है जिस जगह पर यह घटना हुई है, आसपास हाईवेज हैं तो इसीलिए लगातार धरपकड़ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसी बीच एनआईए की एंट्री से कितनी सहूलियत और किस तरीके से देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए एनआईए की अब इसमें एंट्री हो गई है क्योंकि जिस तरीके की ये घटना घटी है, ना केवल एक जो मजदूरों के कैंप को निशाना बनाया गया है बल्कि ये एक बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से एक ऑल वेदर सड़क प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जडमो टनल इसी का पहला हिस्सा है जिसका दूसरा फेज जो है वो जोजिला टनल है जिसपे अभी भी काम चल रहा है। और जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है जिसमें ना सिर्फ मजदूरों को बल्कि अधिकारियों को भी निशाना बनाकर इस कैंप साइट को निशाना बनाया गया है, इसीलिए अब एनआईए की भी इस जांच में जोड़ दिया गया है और एनआईए की टीम आज दोपहर तक घटनास्थल पर पहुंच के सबूत इकट्ठे करके इस जांच को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि टीआरएफ नामी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है और खुफिया एजेंसियों का ये मानना है कि सजाद गुल जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ टीआरएफ का कमांडर है उसका हाथ इस हमले के पीछे हो सकता है, वो इसका मास्टरमाइंड हो सकता है। आतंकी चाहे जितने भी मंसूबे बना ले। आसिफ कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन भारत और साथ ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, साथ ही भारत सरकार इस गतिविधि पर फिलहाल अपना जो रोष है वो व्यक्त कर रही है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा ऐसा कहा भी जा रहा है।